press the bell icon for all the updates. बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ मैं, वैसे भी बहुत हैप्पी हैप्पी गर्ल हूँ, क्योंकि आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी. हैप्पीनेस ऑलवेज कम्स फ्रॉम विद इन, सो आई यू नो ट्राई एंड आई ट्राई वेरी हार्ड एक्चुअली, यू नो, कि मैं ऐसी कोई चीज़ ना करूँ जिससे मुझे कोई दुख हो या कोई चीज़ हो जो मुझे डिप्रेस करे. तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी सारी चीज़ें करूँ लाइफ में जो मुझे खुशी दें. और जैसा कि आपने सुना भी होगा और मेरा ये मानना भी है कि इंसान वही काम करके कामयाब होता है जिस काम को करने में उसे खुशी मिलती है. सो आई थिंक आई एम डूइंग व्हाट आई लव द मोस्ट. आई एम डूइंग माय जॉब इज़ टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड एंटरटेन यू पीपल. तो आई थिंक इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर एंड इट गिव्स मी हैप्पीनेस. आज के दौर में और भी ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हर इंसान आज स्ट्रगल कर रहा है कामयाबी पाने के लिए. यू नो देर देर स्ट्रगलिंग, देर 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 फाइटिंग विद ईच अदर, देर देर सो मच कॉम्पिटिशन इन लाइफ. सो दीज काइंड ऑफ सेल्फ यू नो इम्प्रूवमेंट बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू रीड एंड लिसन टू स्पीकर्स लाइक मिस्टर यूसुफ मर्चेंट एंड राहुल बोस. यू नो आई जस्ट हर्ड हिम स्पीकिंग एंड आई वॉज स्पेलबाउंड बाय हिज स्पीच. ही इज सुपर्ब. तो बहुत ज़रूरी है कि हम भी इन सब यू नो लोगों को सुने और ऐसी किताबें पढ़ें ताकि हमारा दिमाग खुले और हम लोग काम के स्ट्रेस के बोझ में ना दबें और हम जितना हो सके उतना कॉन्फिडेंस के साथ में ऊपर की तरफ बढ़ते जाएं. अच्छा, अपना कोई पर्सनल फेज या कुछ ऐसा? मेरा पर्सनल फेज ऐसा तो कभी कुछ नहीं रहा कि मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ हो या मैंने कभी बहुत ही ज़्यादा लो फील किया हो, क्योंकि इतना वक्त ही नहीं है लाइफ में कि मैं इतना लो फील करूं. क्योंकि यू नो आई हैव आई एम टचबुड बाय गॉड्स ग्रेस. आई एम सराउंडेड बाय ऑल द पीपल हु लव मी इमेंसली. माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, एवरीबॉडी टचबुड, यू नो दे पैम्पर मी अ लॉट. और काम पे भी यू नो व्हेन यू आर गुड पीपल आर गुड टू यू. सो आई ट्राई बीइंग गुड टू पीपल एंड आई ऑलवेज ट्राई टू स्प्रेड हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी ऑल अराउंड द कॉर्नर, ऑल अराउंड मी, टू द पीपल अराउंड मी. हाँ, ये उन दिनों की बात है. मैं शांति टीचर जो है वो बहुत सिंपल, बहुत स्वीट है और वो और 90s की टीचर है. कोई मेकअप नहीं लगाती है, बन बांध के रखती हैं मैसी सा और दो लटे उनकी निकलती हैं, वो भी ऑडियंस को बहुत पसंद है. पर यही है कि व्हेन यू आर गोइंग आउट यू हैव टू बी लिटिल प्रेजेंटेबल. मैं सोच रही थी आज साड़ी पहन के आने, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता. शांति टीचर का हैंगओवर वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा है. बट या दिस इज़ अ ब्यूटिफुल आउटफिट. आई वॉन्टेड टू कीप इट सिंपल, सटल येट स्टाइलिश. तो ये रॉकी स्टार ने डिज़ाइन किया है आउटफिट. और या आई जस्ट बोर्ड इट्स ऐप फॉर अ बुक लॉन्च. इट्स नॉट अ वेरी पार्टी पार्टी आउटफिट, वेरी वेरी सटल ओकेजन आउटफिट दिस इज. ओके, मैं अपने सारे फैंस को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप प्लीज़ वही काम करिए जिस काम को करने से आपको खुशी मिलती है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी एंड सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिविटी. और जब आपको ऐसा लगे कि आप बहुत डिप्रेस्ड हैं तो प्लीज़ यू नो ट्राई नॉट टू गेट डीप इन साइड दैट डिप्रेशन, बट ट्राई टू फाइट इट एंड थिंक पॉजिटिव थिंग्स अराउंड यू एंड सी, टॉक टू ब्यूटिफुल पीपल, लिसन टू ब्यूटिफुल पीपल. देर आर सो मेनी पीपल हु आर टॉकिंग अ गुड स्टफ, यू नो आउटसाइड. जैसे आज मैं तो आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय राहुल बोस. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. यू नो लिसन टू गुड स्पीकर्स, इवन दैट थिंग यू नो इट डिस्ट्रैक्ट्स योर माइंड एंड आई थिंक यू स्टार्ट लीडिंग योर लाइफ विद पॉजिटिविटी.